Assalamualaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Pushra. So we were discussing chapter 6 of CRPC. In previous video we discussed the first process that was summoned to appear. In today's video we are going to discuss the warrant of arrest from section 75 of CRPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Warrant of arrest. So, starting from section 75 of CRPC, section 75 deals with फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 75 में दो क्लॉजेस हैं फर्स्ट क्लॉज क्या कहती है कि हर वारंट जो कोर्ट इशू करती है उसके लिए किस किस चीज का होना जरूरी है वो वारंट हमारे पास रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए सेकेंडली जो बंदा उस वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर और उसकी उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन के बारे में लिखा होगा फिर जिस बंदे को अरेस्ट करना है जिसके लिए ये वारंट इश्यू किया गया है उसका नाम उसकी बाकायदा डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी फिर उसके साथ साथ ऑफेंस का नाम भी लिखा जाएगा जिस ऑफेंस के लिए उस बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है एंड ऑल सच वारंट विल बी साइंड एंड सील्ड बाय दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी उस कोर्ट का जज या मैजिस्ट्रेट है वो उस वारंट पर साइन करेगा सेकेंड क्लॉज ये कहती है कि ये वारंट तब तक इन्फोर्स होगा तब तक ये वारंट चलता रहेगा जब तक कि इस वारंट को कोर्ट कैंसिल नहीं कर देती फर्स्ट केस या फिर अगर ये वारंट एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक इस वारंट को इन्फोर्स कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 76। सेक्शन 76 क्या कहता है कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन अब इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी कोर्ट जो वारंट इश्यू कर रही है किसी भी बंदे के लिए वो अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हुए अपने स्वाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए एक इंडोर्समेंट के थ्रू इस इस वारंट के साथ ये बताएगी कि अगर वो बंदा जिसको अरेस्ट करना है अगर वो मिल जाता है और वो बंदा जमानत दे देता है विथ श्योरिटीज़ और विदाउट श्योरिटीज तो उस बंदे को रिलीज कर दिया जाएगा लेकिन जो बात हमने इंडोर्समेंट की, की उसके ऊपर क्या क्या लिखा जाएगा सबसे पहले तो श्योरिटीज के नाम लिखे जाएंगे उसके बाद ये बताया जाएगा कि कितने श्योरिटीज हैं उनकी नंबरिंग लिखी जाएगी किस बंदे के लिए जिसके लिए वारंट इशू हुआ है उसके लिए जो श्योरिटीज हैं उनकी नाम और नंबरिंग लिखी जाएगी और इसके साथ साथ फिर अमाउंट ऑफ बॉन्ड भी लिखा जाएगा कि वो कितना बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है और फोर्थ नंबर पे टाइम और प्लेस के वो कोर्ट को अटेंड करेगा यानी जब भी कोर्ट उसे बुलाएगी तो वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा इसकी क्लॉज थ्री क्या कहती है कि जब कभी भी सिक्योरिटी इस सेक्शन के अंडर किसी भी अरेस्टेड पर्सन से ले ली जाएगी और फिर इस बॉन्ड को कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट आता है सेक्शन 77 जो कि डील करता है वारंट्स टू होम डायरेक्टेड वारंट किसे दिया जाएगा सेक्शन 77 के अकॉर्डिंग वारंट एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को इश्यू किया जाएगा लेकिन अगर किसी बंदे की अरेस्ट नेसेसरी है फौरन उस बंदे को अरेस्ट करना है और उसकी वारंट की एक्जी, इमीडिएट एग्जीक्यूशन की जरूरत है और इन केस अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में क्या होगा कोर्ट किसी दूसरे बंदे को पॉइंट करेगी इस पर्पस के लिए और उस बंदे को कहा जाएगा कि वो इस वारंट को एग्जीक्यूट करे यानी कि वो उस बंदे को अरेस्ट करे जिसकी अरेस्ट नेसेसरी थी जिसका कोर्ट में मौजूद होना नेसेसरी था सेकंड क्लॉस क्या कहती है कि अगर वारंट दो या दो से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को इशू किया जाता है तो वो वारंट तमाम पुलिस ऑफिसर या फिर उनमें से कोई एक बंदा एग्जीक्यूट कर सकता है उस वारंट को यानी तमाम पुलिस ऑफिसर भी इस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी इस ड्यूटी को निभा सकते हैं या उनमें से कोई एक बंदा भी उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन सेवेंटी एट सेक्शन सेवनटी एट डील करता है वारंट में बी डायरेक्टेड टू दी लैंड होल्डर अब इसमें क्या कहा गया है कि फर्स्ट क्लास क्या कहती है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या करेगा किसी भी लैंड होल्डर फार्मर या मैनेजर ऑफ लैंड जो कि उसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या सब डिवीजन के अंदर है वो उसको वारंट इशू करेगा किस बंदे के लिए फॉर एनी स्केप्ड कॉन्विक्ट या फिर कोई भी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है कोई इश्तेहारी मुजरिम है या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है उसको अरेस्ट uh, करने के लिए कोर्ट लैंड होल्डर को वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है क्लॉस सेकंड क्या कहती है कि जैसे ही उस लैंड होल्डर फार्मर या मैनेजर को वो वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू किया जाएगा वो क्या करेगा अब उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए चला जाएगा अब जैसे ही उसने अपना वारंट एग्जीक्यूट कर लिया वो बाकायदा एक रसीद पर अपना सिग्नेचर करेगा वारंट की बैक साइड पे और फिर इस सिग्नेचर का मतलब क्या होगा ये सिग्नेचर कंफर्मेशन के लिए होगा कि उस बंदे ने अपना वारंट एग्जीक्यूट कर लिया है थर्ड क्लास क्या कहती है कि जैसे ही उसने फलाम बंदे को जिसकी जरूरत थी कोर्ट की तरफ से जिसके लिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया था अगर उसने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है तो वो उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाएगा और फिर वो पुलिस स्टेशन में वो पुलिस ऑफिसर उसे फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन सेवेंटी 79. नाइन सेक्शन सेवेंटी 79 नाइन डील करता है डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट के साथ यानी अगर किसी एक पुलिस ऑफिसर को कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू किया है तो उसकी जगह कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर इस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता लेकिन ये काम सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है अगर उस वारंट पर एक इंडोर्समेंट के थ्रू उस दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम लिखा हुआ हो उस सूरत में वो पुलिस ऑफिसर उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है अदरवाइज नहीं अगर किसी वारंट ऑफ अरेस्ट पे उस पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ तो वो वारंट ऑफ अरेस्ट इलीगल होगा अंडर सेक्शन 79 नेक्स्ट आता है सेक्शन 80। सेक्शन 80 डील करता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो उस वारंट ऑफ अरेस्ट को उस के सामने पढ़कर सुनाएगा और अगर वो एक्यूज़ डिमांड करता है कि उसे वो वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाया जाए तो पुलिस ऑफिसर अंडर दिस सेक्शन बाउंड है कि वो उसको वो वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाएगा नेक्स्ट है सेक्शन एटी सेक्शन एटी डील करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉड बिफोर द कोर्ट सेक्शन 81 में क्या कहा गया है कि आपने अगर वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट कर लिया है पर्सन अरेस्ट हो गया है उसके बाद आपने उसे कोर्ट के सामने पेश करना है और इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब कभी आप किसी बंदे को अरेस्ट करते हो तो पुलिस ऑफिसर जब किसी को अरेस्ट करती है तो विद इन ट्वेंटी आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है अगर आप नहीं करते तो फिर आपको उस चीज की भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो टाइम पीरियड है वो क्या है विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स पुलिस ऑफिसर टू प्रोड्यूस दी अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट उसके बाद आता है सेक्शन 82 जो कि डील करता है वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड वारंट कहां पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो जब आपको कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू किया जाता है दैट वारंट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप ने बंदे को अरेस्ट करने के लिए उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है सेक्शन 83 थ्री अब सेक्शन 83 में यह बताया हुआ कि अगर वो बंदा आपकी लिमिटेशन में नहीं आपकी जुरिस्टिक्शन में नहीं है अगर कोई मैजिस्ट्रेट किसी बंदे के अरेस्ट के लिए कोई वारंट इश्यू कर रहा है लेकिन वो बंदा उसकी जुरिस्टिक्शन के अंदर रिजाइड नहीं कर रहा तो पुलिस जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा वो उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट या मैजिस्ट्रेट को नोटिस भेजेगा जिस इलाके में वो बंदा रिजाइड कर रहा है और उस मजिस्ट्रेट को कहेगा कि आप अपने इलाके के अंदर इस वारंट को एग्जीक्यूट कर... कराएं और उस बंदे को अरेस्ट करके इस मजिस्ट्रेट की तरफ वापस भेज दें अब जैसे ही इस मैजिस्ट्रेट को जहां जिसके इलाके में वो बंदा रिजाइड कर रहा है जैसे ही उसे ये नोटिस मिलेगा वो क्या करेगा अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसने इस वारंट को एग्जीक्यूट कराना है एंड ही विल एग्जीक्यूट वारंट इन द सेम मैनर एज इट हैज टू बी यानी कि जैसे उस इलाके में वारंट को एग्जीक्यूट होना था वो अपने इलाके में भी इस वारंट को इसी तरह एग्जीक्यूट कराएगा सो so ये थी हमारी आज की डिस्कशन वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर सेकेंड प्रोसीजर है जो कि प्रोसेस टू कंपेल अपियरेंसेज का आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफ़िज